हमेशा एक सिंगर या फिर राइटर अपनी फीलिंग्स को अपने गाने या फिर अपनी राइटिंग के थ्रू ही एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग राइटिंग में इतने अच्छे होते हैं कि जो चीजें वो सामने से नहीं बोल सकते उसको वो गाकर या फिर लिखकर अपने साथ वाले लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए रिसेंटली आरएम के सॉन्ग को सुनने के बाद कई सारी आर्मीज कंफ्यूज हो गई हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आरएम ने इतना सैड सॉन्ग और इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग क्यों लिखा है। क्या आरएम किसी को ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं या आरएम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा सैड है, या फिर बात क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने आरएम की न्यू एल्बम के सभी सॉन्ग सुन लिए हैं तो आप सभी ने डेफिनेटली आरएम का सॉन्ग नट्स तो सुना ही होगा क्योंकि रिसेंटली रिलीज हुआ है। इस सॉन्ग में आरएम ने एक लवर की तरह अपने पार्टनर को डेडिकेट करते हुए कुछ लाइंस लिखी हैं। हालांकि दोस्तों, सरप्राइजिंग बात यह है कि यूजुअली लोग अपने पार्टनर के लिए सैड लाइंस लिखते हैं, बट इस सॉन्ग में आरएम ने लिखा है कि किस तरीके से ब्रेकअप हो जाने के बाद उनको अच्छा महसूस हुआ और पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि वो फ्री हैं और वो अलाइव हैं। तो दोस्तों, इस सॉन्ग में कई सारी ऐसी लाइंस हैं, जैसे कि एक रैप पार्ट आता है जहां पर आरएम बोलते हैं कि जब तुम चले गए थे तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिंदा हूँ। हर दिन मैं अपने पुराने सेल्फ से एक मेमोरी, एक नोट लिखता था। तुम्हारी सारी मेमोरीज गायब हो गई और फिर मैं खुशी की प्रार्थना करता था अपने 20s में फ्री होना, जब तुम मेरे लिए सब कुछ थे। यू मे नॉट बिलीव इट बट मैं सीरियस हूँ कि हमारी रिलेशनशिप काफी ज्यादा मुश्किल थी और तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ही खुश था। इस तरीके की लाइंस आरएम ने इस सॉन्ग में लिखी है और काफी ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पूरे सॉन्ग को लिखा गया और आरएम ने गाया है। तो इस सॉन्ग को देखने के बाद आर्मीज काफी शॉक्ड हो गई थी। कई सारे आर्मीज को लगा कि हो सकता है कि आरएम ने ये सॉन्ग अपने रियल पार्टनर को डेडिकेट करते लिखा हो या फिर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए ये सॉन्ग हो जिसने आरएम को छोड़ दिया। और उसके बाद आरएम को रियलाइज हुआ कि अच्छा ही हुआ वो आरएम की लाइफ से चली गई, क्योंकि दोस्तों यूजुअली होता ये है कि वैसे तो एक अच्छा सिंगर और राइटर किसी भी फीलिंग में सॉन्ग लिख सकता है, लेकिन कभी कभी लिरिक्स इतने डीप होते हैं कि पढ़ के आपको लगता है कि इसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो जरूर होगा, तभी उन्होंने ऐसा सॉन्ग लिखा। और दोस्तों, आरएम के इस सॉन्ग को सुनने के बाद ही कई सारी आर्मीज को ऐसा लगा कि डेफिनेटली आरएम के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तभी आरएम ने इतना डीप सॉन्ग लिखा और गाने में प्रॉपर फीलिंग्स नजर आ रही हैं। तो कई सारे आर्मीज को तो लगता है कि ये सॉन्ग आरएम ने शायद पहले लिखा होगा और मे भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को डेडिकेट किया होगा और शायद इसीलिए आरएम ने अब इसे अपनी एल्बम में इंक्लूड किया है। तो हो सकता है कि ये सॉन्ग किसी मिस्टीरियस गर्ल को डेडिकेटेड हो। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि आरएम का ये सॉन्ग उनकी एक्स को डेडिकेटेड है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।